एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3, व्हिच इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। मतलब नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम लोग क्या चीज स्टडी करने वाले हैं। पहली बात, जो हमारे फैब्रिक्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फाइबर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, एंड इसके अलावा प्लास्टिक क्या होती है। वैसे हम सबको ही पता है प्लास्टिक क्या होती है, बट वो किस तरीके से बनती है, कितने टाइप्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो अपनी। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा फैब्रिक होता क्या है। देखिए, हम सबको पता है कि जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो कोई ना कोई फैब्रिक से बने हुए होते हैं। अलग अलग फैब्रिक आते हैं अलग अलग क्लोथ्स के, तो वो जो फैब्रिक होते हैं ना वो बनते हैं फाइबर से। तो जो हमारे क्लोथ है सबसे पहले वो बने किससे? फैब्रिक से। और फैब्रिक किससे बना? हमारा फाइबर से बना। तो सबसे पहले हम फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स। आपने नाम सुना होगा ना, जैसे कि सिल्क की साड़ी है, कॉटन की साड़ी है, या फिर सिल्क का कपड़ा है, ऐसे अलग अलग चीज़ें हो सकता है। कोई वूलन के बारे में सुना हो, नायलॉन, रेयन, तो इसके अलावा बहुत भी ऐसे नाम हैं जो हम अलग अलग सुनते रहते हैं कि ये इस फैब्रिक का कपड़ा है, ये इस फैब्रिक का कपड़ा है ना। तो वो सारे फैब्रिक जो होते हैं वो क्यों अलग अलग, क्यों डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स बोला जाता है? क्यों? क्योंकि वो फैब्रिक जिस चीज़ से बनते हैं ना वो फाइबर अलग होता है। वो फाइबर अलग होने की वजह से फैब्रिक भी हमारा क्या हो गया? अलग हो गया। तो बेसिकली जो हम फाइबर्स की अपनी बात करते हैं तो फाइबर्स क्या होते हैं, हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर हमारा, सेकेंड इज मैन मेड फाइबर। ठीक है, तो हमारे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो नाम से ही पता चल रहा है कि किससे ऑप्टेन करते हैं हम लोग, नेचर से ऑप्टेन करते हैं। और नेचर मतलब कि जो एनिमल हो गए या प्लांट्स हो गए, इनसे जो भी हम फाइबर्स ऑप्टेन करेंगे तो वो सारे फाइबर्स हमारे कैसे हो गए? नेचुरल फाइबर्स के कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि वूल हो गया, वूल किससे मिलता है? हमें शीप से मिलता है ना। इसके अलावा अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन हमें प्लांट से मिल रहा है। फ्लैक्स जो होता है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? वो फ्लैक्स के प्लांट्स होते हैं उससे मिल रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वहाँ से मिलता है। तो ये सारे जो हमारे फाइबर्स होते हैं जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं, ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर जैसे नाम से पता चल रहा है क्या है कि इसको कोई भी नेचर नहीं बना रहा है, इसको मैन बना रहे हैं। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल होता है जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये किससे बनते हैं? ये केमिकल्स से बनते हैं। ऐसे जो भी फाइबर्स होंगे जो कि केमिकल से बन रहे हैं उन सबको हम लोग मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइबर्स मेड अप ऑफ? फाइबर किससे बनते हैं? अब आप कहोगे मैम अभी तो आपने मुझे बताया है कि जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे या तो फिर एनिमल से निकलेंगे, एनिमल से बनेंगे, या प्लांट से बनेंगे, या फिर केमिकल से बनेंगे। तो भाई ये तो सिर्फ सोर्सेज हैं हमारे फाइबर्स को ऑप्टेन करने के, लेकिन ये बनते नहीं है केमिकल। जैसे कि ये केमिकल एक सोर्स हो गया, एनिमल एक सोर्स हो गया, एंड प्लांट एक सोर्स हो गया। एक जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दूं, एक मान लो मैंने सिल्क ले लिया। ठीक है, सिल्क मुझे किससे मिला? उसका सोर्स हो गया सिल्क वॉर्म। बट अगर हम आप सिल्क को देखोगे तो उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो अगर आप देखोगे, ऐसे आपको वैसा तो नहीं दिखेगा लेकिन आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो उसका कोई स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, कोई बेसिक यूनिट होगा। तो वही मेन आइटम होगा जिससे हम कहेंगे कि ये इस चीज़ से बना है। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल है अपनी बॉडी का, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गए, लंग्स हो गए, तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं किससे बनते हैं? टिश्यूज से बनते हैं। और टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा हो गया इसका? सेल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जब हम एक फैब्रिक को देखते हैं, मान लो मैंने सिल्क की साड़ी ली, तो सिल्क की जो साड़ी है उसका फैब्रिक हो गया सिल्क। अब वो जो सिल्क है वो किससे बनी है? तो उसमें भी कोई छोटे 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 से यूनिट्स होंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मान लो एक बीड्स की मैंने पूरी माला ले ली, जैसे हम लोग गले में नेकलेस वगैरह पहनते हैं ना, तो ये एक मैंने बीड्स ले ली और मैंने इनको पास में ऐसे ज्वाइन करती हुई चल रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने इसको ये ज्वाइन कर दिया। दूसरा, या तो फिर मैं ले लूं वो जो आपके पास में होती है ना पेपर क्लिप्स होती हैं,
उसको आप ज्वाइन कर लो कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसमें और इसमें आपको, वैसे तो इनका शेप एंड साइज बिल्कुल अलग है, बट कुछ एक कॉमन चीज आपको नजर आ रही होगी। वो कॉमन चीज क्या है कि ये भी एक चेन बना रही है एंड ये भी क्या कर रहे हैं, एक चेन बना रही है। ठीक है, ये चेन किसकी बना रही है, बीड्स की बना रही है, और ये चेन किसकी बना रही है, पेपर क्लिप्स की बना रही है। तो ये जो पूरी चेन है ना, तो ये क्या हो गई, एक यूनिट हो गई, पूरी एक बड़ी सी यूनिट हो गई। इस पूरी यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर। क्या बोलेंगे हम इसको, पॉलीमर। ठीक है, पॉली जो यहाँ पर हमारा पॉलीमर है, और एक जो सिंगल, अगर मैं यहाँ पे बीड ले लूं, एक सिंगल मोती ले लूं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, फाइबर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। तो मतलब कि ये जो हमारा फैब्रिक होता है वो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स से बनता है, जस्ट लाइक दिस बीड्स, कि ये जो माला है हमारी बीड्स की, इसकी तरह ही होता है हमारा फैब्रिक भी। और उसमें भी क्या होता है कि छोटे 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 से यूनिट्स होते हैं, और उन यूनिट्स को हम लोग मिला देते हैं, और उसको पूरा मिलाने के बाद में एक पूरा हमारा फाइबर बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। फाइबर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जब हम मिला देंगे तो जो एक सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग पॉलीमर्स बोलते हैं, और वही पॉलीमर क्या हो गया हमारा, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब आपके सवाल ये होगा कि पॉलीमर क्या सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक होता है, मतलब कि ये जो पूरा हमारा ग्रुप है ये क्या सिर्फ सिंथेटिक है, ऐसा नहीं होता है। सिंथेटिक के अलावा जैसे कॉटन हो गया, तो कॉटन को अगर आप छोटा छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी देखेंगे, मैं यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने कॉटन लिया और उसको मैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रही हूँ, तो वो छोटे 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 स्मॉलेस्ट ऐसे करके यूनिट में बटा हुआ होगा। तो ये जो यूनिट होगी, एक एक यूनिट जो होगी ना, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, और ये पूरी यूनिट मिल करके एक बड़ा सा यूनिट बना रही है, लार्ज यूनिट बना रही है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। और ये जो हमारा पॉलीमर होता है, कॉटन में जो कॉटन का जो पॉलीमर होता है ना, उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट तो हमारी जो होगी वो होगी ग्लूकोज। ठीक है, और ये जो पूरी यूनिट इसने मिलकर के बना दी, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज। तो कॉटन वैसे हमारा नेचुरल फाइबर है, बट वो भी किससे बना है, एक पूरे पॉलीमर से मिलकर के बना है, जो पॉलीमर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में ये चीज आई होगी कि पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर कुछ नहीं होते, वो एक बड़ा सा एक यूनिट हो गया, जिसके अंदर छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं, और उन छोटे छोटे और इंडिविजुअल यूनिट्स को हम मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि मोनोमर्स को मिला दिया तो क्या बन गया, पॉलीमर बन गया, और उसी पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में। ठीक है।